एक पगड़ी की परंपरा हम लोग यहाँ चली आ रही है। तो मैं मोहम्मद आलम जी से रिक्वेस्ट करूँ आए और परम आदरणीय मेयर साहब को माला पहनाकर स्वागत और हमारी मेयर साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। अनिल अग्रवाल जी आए और मेयर साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। दलजीत गोजर जी आए और माला पहनाकर मेयर साहब का स्वागत करें। कमेटी के मेंबर्स श्री दर्शन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हो जाए, चंदू अली जी हमारे बीच मौजूद है, वो आए और आपको माला पहनाकर स्वागत करें। स्टेडियम से राष्ट्रीय खिलाड़ी से रिक्वेस्ट करता हूँ आए और मेरे साथ को माला पहना स्वागत करें। हमारे बीच एडवोकेट पूजा कौर जी भी मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पूछ तो प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनु बजाज मैम और पूरी टीम मेयर साहब से मिले और मेयर साहब से सामने अपना प्रपोजल रखा, तो मेयर साहब ने सिर्फ दो शब्दों में बात खत्म की कि जहां हमारी माताओं बहनों और बेटियों का सवाल हो, उनकी सुरक्षा का सवाल हो, उनकी शिक्षा का सवाल हो, हर समय रात दिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाला और हमारे परी के प्रोग्राम में आए और अपनी उपस्थिति दी। साथ साथ सभी जितने भी हमारी ऑफिशियल टीम के इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं जो एक्चुअली रिमोट एरियाज में हमारे साथ दिन रात खड़े होते हैं और काम करते हैं और एनर्जेटिक है अपने काम में, उनको संस्था का चेयरमैन नियुक्त किया है। काम तो बहुत समय से कर रही है अनु बजाज, हम सब इसके साथ खड़े हैं। जब यूपी की अध्यक्षा इनको बनाया गया, हमने तब भी मीटिंग अटेंड करी। इनकी विषय बहुत गंभीर है और समाज का बड़ा ज्वलंत विषय है और अभी दो तीन दिन पूर्व मुस्किन भाई और अनु जी घर पर बैठे बैठ के बातचीत हुई और उन्होंने फिर कुछ बातें मेरे सामने रखी और निश्चित रूप से इतने अच्छे संगठन के साथ मुझे जोड़ा जा रहा है उसकी मुझे खुशी भी है, उत्साह भी है और एक बड़ा स्वरूप इसे देना है। इसे ब्लॉक वाइज सेक्टर वाइज किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसका अगर बड़ा स्वरूप इसे देना है तो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में है, उन्हें वो हम बैठ के आपस में चर्चा करके कि भाई किस तरीके से हर वार्ड से एक जागरूक महिला या जागरूक पुरुष जिसे हम अध्यक्ष के रूप में आगे लाएं, जो उस वार्ड से या उस ब्लॉक से जो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा जिसका जिक्र अभी अनु जी ने किया, इस प्रकार के काम अगर होते हैं तो उसमें हम किस प्रकार से काम को आगे लेके जाए। कहते हैं ना कि भाई हमें आपकी भी ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है, जब तक हम इकट्ठे नहीं हैं हम किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, पहली चीज तो ये। दूसरा, मैंने ना परी को काम करते हुए देखा, मैं आपको बताऊं भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊं मैं ग्राउंड लेवल पर वर्क करूं, मेरे पास अपना ऑफिस है, यहाँ पे बहुत काम होता है तो नहीं देख पाते, बस सिर्फ मैंने देखा फोटोग्राफ्स में। तो मैंने देखा भाई परी की पूरी टीम जब जाती है तो जब मीटिंग वहां पे ऑर्गेनाइज होती है तो पूरी लेडीज होती है वहां पे, आप लगभग हम 200-400 लेडीज एक बारी में हम इमेजिन करते हैं कि इतनी होती है वहां पे। और इस तरह से कई जगह इन्होंने नुकड़ों में चीजों में आप सबने तो करा ही हुआ है सारा का सारा मैनेज, आपको तो पता ही है। तो जितनी मोटिवेशन होती है वहां पे आधे घंटे की मीटिंग, लेकिन हम वहां पे आके बताते हैं कि ये एक संस्था है, आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमारे पास आइए। और उसके बाद रिवर्ट्स भी आए, ऐसा नहीं है, रिवर्ट्स भी काफी आए हैं हमारे पास। नमस्कार, मैं अनु बजाज परी उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट। देखिए आज देख सकते हैं आप कि हमने एक परी के प्रोग्राम का आयोजन किया है और इसमें संजीव वालिया जी हमारे जो मेयर साहब हैं सहारनपुर के नगर निगम के, उनको हमने चेयरमैन नियुक्त किया है। हमारी पूरी टीम को इस बात का फख्र है कि संजीव वालिया जी हर तरीके से हमारे परी संस्था को सपोर्ट करेंगे और महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा में अपना योगदान ज़रूर देंगे। हम ग्राउंड लेवल पर इसको विस्तार करने के लिए, ग्राउंड लेवल पर जो हम काम करते हैं इसमें टीम को कैसे आगे बढ़ाना है इस बात पे चर्चा हुई और ग्राउंड लेवल से किस तरीके से और लोगों को जोड़ना है हर वार्ड से हर ब्लॉक से, इसके बारे में उन्होंने पूरी विस्तार से चर्चा की।